सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आज है साल का आखिरी दिन, जी हाँ। और जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे, नया साल हो चुका होगा। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि हम सब का जो नया साल है वो हेल्दी वेल्दी हो, खुशियों से भरा हुआ हो। और जो हम लास्ट ईयर 2022 में अचीव नहीं कर पाए, या जो हमारी चीजें रह गई, जो हमारी विशेस थी, है ना, तो वो सब हमारी इस साल पूरी हो। तो बस यही उम्मीद करती हूँ। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं नए साल की, है ना। तो हैप्पी हैप्पी। तो बस इसीलिए आज मैं बना रही हूँ। बच्चे कहते हैं कि मम्मा ब्रेड पकौड़े खाने हैं, पकौड़े खाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ ब्रेड पकौड़े। और बच्चों को नहला दिया है मैंने। कोई भी दिन हो, नया साल हो, साल का आखिरी दिन हो, सारे दिन सेम होते हैं मेरे हिसाब से। हर दिन को एंजॉय करना चाहिए, है ना। हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई क्या बोल सकते हो कि एक नई उम्मीद लेकर आता है। नया दिन है, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हर दिन को एंजॉय किया करो, ना कि कोई स्पेशल डे के लिए हम वेट करें कि भी कोई स्पेशल डे हो तब हम सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मन खुश है, सब कुछ अच्छा है, तो आप हर दिन को एंजॉय कर सकते हो। और मेरा मानना यही है, और मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं किसी स्पेशल डे के लिए वेट नहीं करती हूँ। तो मेरा ऐसा होता है कि जब आप खुश हो, जब आपका मूड अच्छा है, जब आपके साथ, आपके पास आपके फैमिली वाले हैं, तभी आप अपना कुछ भी एंजॉय कर सकते हो, है ना। तो बस फटाफट से ये बनाते हैं और खाते हैं। बच्चों को ब्रेकफास्ट देती हूँ, उनको भूख लग रही है। और आज मैंने उनके हेयर वॉश करवाए थे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कल हमें जाना है किसी फंक्शन पर, और बस उसी लिए मैंने आज उनके हेयर वॉश करवा दिए। मैंने कहा आज हेयर वॉश करवा देती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे लगे? अच्छा। ये रही दीदी। हेयर वॉश किया हुआ है इसलिए बाल मैंने सोक हो जाए, इसलिए ऐसे किया है। मैं भी ले लेती हूँ चाय, मैंने रख ली है यहाँ पर। और ये आप देखोगे कि ये इतने सारे क्यों रखे हुए हैं, बिकॉज मेरे पास ना बड़े वाला कैचअप खत्म हो गया था। तो यहाँ पे यही हमारे घर के पास ना ये छोटे पिचकू ही मिलते हैं। और बात क्या होती है कि थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं, जब ये खत्म होने वाले होते हैं ना तो ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैंने कहा इनको प्रेस करके ना ज्यादा सारा ऐसे निकाल लो, जरा इनको सबको खत्म कर दो, ठीक है ना, तो इसलिए रखे हुए हैं। तो चलो मैं भी कर लेती हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट। धूप अभी, हवा चल रही है, तो मैंने ये ना ऐसे खोला नहीं है, हमने स्लाइड अभी लगा के रखी हुई है। ये है कि धूप अंदर थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। लाओ मम्मा खोले, ये ना गर्म से स्टीम से वो हो गया, खुलेगा नहीं ऐसे। चलो नो 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 नो, हैंड नहीं चलाने, आराम से खेलो। यहाँ पे रमनूर बना रही है हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड। कार्ड बना रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, मैं कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी, टाइम पास, दैट मींस। और ये आई हुई है पुन्ना मैडम, चलो चलो खेलो। सो यहाँ पर मैंने बैंगन फ्रिज में से निकाल के रखे हैं। मैंने कहा थोड़े से नॉर्मल हो जाए तो मैं बनाती हूँ। आज मेरे को बनाना है बैंगन का भरता। बच्चे कहते बहुत दिन हो गए मम्मा बैंगन का भरता नहीं बनाया, तो वो करना है। और चाय बनाऊंगी, चाय का टाइम हो रहा है, बच्चों का दूध बनाऊंगी, शाम हो चुकी है। तो उससे पहले मैं जाती हूँ कपड़े लेने। आज इकनूर ने ना सुबह सुबह यहाँ पे पानी गिरा दिया, पूरी बॉटल गिरा दी। फटाफट से जो क्विल्ट थी, रजाई थी, वो उठाई, उसके ऊपर भी पानी गया। और ये तो सूख गए हैं, इनको बाहर डाल दिया था मैंने धूप में, तो अभी लाके मैंने यहाँ पे रखा है। तो हमारी रजाई, जो बेडशीट्स वगैरह, वो सब मैं ऊपर छत पर डाल के आई थी। तो मैं जाती हूँ लेकर आती हूँ, बिकॉज अब चार बजने वाले हैं, चार साढ़े चार हो रहे टाइम, तो धूप भी अब चली जाएगी। धूप आजकल निकल रही है, बट 12 साढ़े 12 के बाद धूप निकल रही है। सुबह सुबह तो ज्यादा धूप नहीं होती। तो हाँ गाइज, ये देखिए ये एप्पल कैसे खाया जा रहा है। तो चलिए ना, उंगलियां मत काट लेना। तो
चलो ये देखो सूख गई है ये बेडशीट्स एंड ये देखो क्या किया था ये मेरा काम बढ़ाया था ना इस बच्चे ने इकनूर ने बढ़ाया ये मेरा काम सारा पानी इसके ऊपर वो तो शुक्र करो धूप निकल गई तो ये सूख गई नहीं तो मैंने ड्रायर भी मारा था तब भी हाँ जी हाँ बाल तो लंबे हैं पर पतले हो गए बेटा बहुत हेयर फॉल हो रहा तो ये देखो वो तो शुक्र है कि आज धूप निकली अदरवाइज ये सूखना नहीं था तो इकनूर की पिटाई हो जानी थी मेरी बात सुनो सीधा नीचे जाओगे यहाँ से ये ऐसी हरकतें नहीं करनी मैं बता रही हूँ नहीं मैं दिखाती हूँ लाओ मैं ही फेंक देती हूँ उठाओ उठाओ मैं फेंक दूँ आपको उठाओ मैं फेंक दूँ चलो चलो कपड़े उठाए चले नीचे तो सारा काम यहाँ पर हो चुका था और मैं आई थी बिकॉज कल हमें मॉर्निंग में जाना है एक छोटे से फंक्शन में तो बस वही मैं ड्रेसेस निकाल रही थी बच्चों के कपड़े निकाल के देख रही थी कि क्या पहन के जाएंगे बिकॉज मैंने कहा पहले ही तैयारी करके रख लेती हूँ तो बच्चों के तो फाइनल हो गए थे यहाँ पे एक नूर बता रही थी कि मैं ये पहन रही हूँ ये मेरी ड्रेस है और साइड में निकाला है मैंने ये वाला सूट तो बस कहीं पर जाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है सबसे बड़ा काम ना टेंशन वाला यही होता है कि यार पहन के क्या जाना है वैसे हमें लगता है कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं बट जब एक्चुअल में ही जाना होता है तो कुछ समझ में नहीं आता तो मैंने ये वाला निकाला था अपना ये वाली ड्रेस तो काफ़ी टाइम के बाद मैं इसको पहन रही हूँ तो बस मैंने ये निकाल के भी रखी थी मैं देख रही थी मैंने कहा चेक भी करना पड़ता है कि भाई आ भी रही है या नहीं तो ऑल्टर करनी पड़ेगी तो घर में ही मैं ऐसे कर लेती बट बिल्कुल ठीक थी फिटिंग इसकी और इकनूर यहाँ पर इसे पहन के देख रही है इनको बहुत क्रेज़ होता है मेरे बच्चों को तो स्पेशली रवनूर को इकनूर को दोनों को चाहे आए ना आए इन्होंने मेरे कपड़े फंसा के ज़रूर देखने हैं तो हाँ जी मैं ये कह रही थी कि अगर कहीं जाना होता है ना आई थिंक ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है सिर्फ मेरी अकेली की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वैसे देखा जाए तो हमारी अलमारियां भरी होती हैं कि अलमारियां क्या मेरे तो बेड भी भरे हुए हैं भाई कपड़े इतने सारे हैं है ना कहाँ पे पहने है ना तो एक एक दो दो बार पहन के ऐसे ही कपड़े पड़े होते हैं बट अगर कहीं जाना होता है तो समझ में नहीं आता कि क्या पहने है ना कि अभी लास्ट टाइम हमने वो वहां पर पहन लिया था अब यहां पर नहीं पहनना या ये वाला सूट मैं इतनी बार ऑलरेडी पहन चुकी हूँ है ना ऐसे होता है रवनूर ने पता क्या करवाया आज उसने हेयर वॉश करवाए थे मैंने बच्चों के आज हेयर वॉश कर दिए कि कल तो हेयर वॉश होंगे नहीं
शाम तक आते आते इसको हो गया कि मम्मा वो जो आप छोटी छोटी मिंडियां करते हो, चोटियां करते हो ना, वो कर दो अब गीले बालों में, बाल गीले करके, और सुबह खोल लूंगी तो वो हल्की हल्की कर्ल्स हो जाएंगी। तो वो मैंने कर तो दी इसकी शाम को, बट अगर ये मैं सुबह ही बोलती अगर ऐसा करने के लिए, तो सुबह तो हेयर वॉश किए ही थे ना, तो मेरे को दोबारा नहीं करने पड़ते। तो मैंने बहुत ज्यादा बारीक नहीं की, क्योंकि मैंने कहा अब इतना टाइम नहीं है ना मेरे में, इतना एंड ऑफ द डे कि मैं बैठ के इतनी पतली पतली करूंगी। तो मैंने बस ये जस्ट 10 की है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो देखेंगे, क्योंकि सुबह तो बाल गीले थे जब हेयर वॉश किया था, तभी मेरे को बोलती तब मैं इसके गीले गीले बालों में पतली पतली कर देती है ना, ब्रीक ब्रीक सी बिल्कुल, तो सुबह खोल देती। शाम को इसने बोला, उस टाइम बाल ड्राई हो चुके थे, फिर दोबारा मैंने, अब सर्दियां हैं पूरे तो गीले करूंगी नहीं, बस इतने इतने से बाल मैंने गीले किए एंड देन मैंने ये बनाए हैं। अब सुबह इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इनका क्या रिजल्ट आता है, आता भी है या नहीं आता तो वो पता नहीं। सो चलिए तो सुबह मिलेंगे। Hey guys, welcome to the channel. कैसा आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज मैं हूँ और हम तैयार हो चुके हैं, अभी 11:10 हो रहे हैं सुबह के और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मेरी कुछ ऐसी लुक है, एक नूर अंदर है, मम्मा भी तैयार हो चुकी है, पापा तैयार हो रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे एंड मैं आपको अभी अपनी लुक दिखाती हूँ। एंड कल रात में मैंने अपनी छोटी छोटी सी चोटियां बना के कर्ल्स किए थे, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कैसे हैं। तो चलो मैं आपको एक नूर की लुक दिखाती हूँ। सो गाइस एक नूर की लुक है, कुछ ऐसी ये देखिए गाइस। सो गाइस अब मैं आपको अपनी लुक दिखाती हूँ, अपनी चोटियां भी दिखाती हूँ, मतलब कर्ल्स भी दिखाती हूँ जो छोटे छोटे से आए हैं थोड़े थोड़े से। और मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है गाइस, मैंने लिप बाम लगाई, उसके ऊपर लिप ग्लॉस लगा ली तो पिंकिश शेड आ गया एंड मेरी लुक कुछ ऐसी है। एंड मैंने नीचे अपने बूट्स पहने हैं, वॉच पहनी है एंड ये रेनबो वाला नेक पीस पहना है और ये मेरे को इयररिंग्स अभी चेंज करने हैं फ्लावर वाले, फिर मैं आपको पहन के बताती हूँ। एंड गाइस ये मेरे इयररिंग्स फ्लावर वाले, और अब देखो अभी आपको अच्छे से दिख नहीं रहे होंगे लेकिन ये बहुत अच्छे कर्ल्स आए। रुको सो यहाँ पे रवनूर अपने हेयर्स दिखा रही थी, जैसे उसे चाहिए थे वैसे लुक आ गई थी उसकी, जैसे उसको हेयर्स चाहिए थे तो बहुत खुश थी। तो मैंने उसको बोला था कि मम्मा को भी शूट करके दिखा देते बट टाइम ही नहीं था, सुबह सुबह जब कहीं जाना होता है तो बच्चों को रेडी करो, बच्चे अपने में ही मस्त होते हैं। तो बस यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, बच्चों ने पूरा इंजॉय किया, फुल इंजॉय किया और इस टाइम अपने स्नैक्स खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया था तो बस, और इसी के साथ वीडियो के एंड पे आ गई हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।